हेलो दोस्तों, अगला दो वीडियो हमने आपको बताया था इंडियन आर्मी क्लर्क के लिए, और उसके अगला वीडियो इंडियन आर्मी जीडी के बारे में हमने बात किया था। आज जो बात करूंगा इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के बारे में बात करूंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए पहले जो एज क्राइटेरिया आती है वो 17.5 साल से 23 साल तक होती है। उसके बाद हम जान लेते हैं एडुकेशन। एडुकेशन जो होती है वो 12वीं पास करना चाहिए, और आपका जो 12वीं पास में साइंस या फिर बायो साइंस होना चाहिए, यानी कि बायोलॉजी सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, और हर सब्जेक्ट में 40% मार्क्स होना चाहिए, और टोटल मार्क्स का 50% आपका होना बहुत जरूरी है, अन्यथा आप पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद आती है हाइट, और हाइट जो होती है हर स्टेट में अलग अलग हाइट चुनी जाती है। लोएस्ट जो हाइट रहती है वो 157 सेमी होती है, और हाइस्ट जो हाइट रहती है वो 170 सेमी तक होती है। उसके बाद आती है वेट। वेट में भी आपका स्टेट का बहुत बड़ा योगदान रहती है। वेट में भी जो मिनिमम वेट होती है वो 48 kg तक होती है, और मैक्सिमम 50 kg तक आपका होना बहुत जरूरी है। इससे ज़्यादा है तो ठीक है, इससे नीचे है तो आपको नहीं लेंगे। उसके बाद आती है चेस्ट। चेस्ट सभी के लिए सेम ही है। चेस्ट आपको 77 सेमी होना चाहिए, और 5 सेमी आपको फुलाना चाहिए। उसके बाद आपको आती है फिजिकल फिटनेस टेस्ट। फिजिकल फिटनेस में जो आपको पहले आती है वो है 1600 मीटर का दौड़ होना। उस दौड़ में 5 मिनट 45 सेकेंड के अंदर वो दौड़ कम्प्लीट करना है। हालांकि इस पोस्ट के लिए आपका नंबर बहुत जरूरी नहीं, आपको सिर्फ पास करना है। उसके बाद आपको पुल अप मारना है, जिसमें 40 मार्क का होती है, और मिनिमम आपको 6 मारना है। उसके बाद आपको 9 फीट का गड्ढा कूदना है। उसके बाद आपको बैलेंसिंग करना है। उसके बाद आती है जो फिजिकल रिलेशन का जो छूट मिलती है, रिलेशन में जो छूट मिलती है वो है हाइट का जो छूट मिलती है वो 2 सेमी तक छूट मिलती है, और आपका ओजन का 2 kg तक छूट मिलती है, और आपका चेस्ट यानी कि छाती का भी 2 सेमी तक छूट मिलती है। आप जान लेते हैं किस तरफ का रिलेशन जो होना चाहिए। आपका फैमिली का कोई मेंबर सैनिक या फिर पूर्व सैनिक था, इस तरफ का रिलेशन चाहिए, या फिर आप राष्ट्रीय या फिर राज्य लेवल का कोई खिलाड़ी है तो आपको इस तरफ का छूट मिलती है। इससे अलावा आपको अगर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राज्य कॉलेज जिला विश्वविद्यालय स्तर का कोई भी खेल में आप अगर हिस्सा लेती हो और हिस्से में आप प्रथम या दूसरा स्थान प्राप्त करती हो तो आपके लिए इस तरह का छूट मिलती है। उसके बाद आपका मेडिकल होता है। मेडिकल में आपका शरीर का सारी अंग चेक किया जाती है। अगर आप नॉर्मल है आपको एक एडमिट कार्ड देती है। उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होती है। लिखित परीक्षा जो होती है वो फिजिकल टेस्ट के बाद ही होती है। फिजिकल टेस्ट के बाद आपका लिखित परीक्षा होती है, वो 1 से 2 महीने के बाद होती है। आपको प्रिपेयर करने के लिए या टाइम दिया जाती है। लिखित परीक्षा में जो टोटल जो मार्क्स होती है वो 100 मार्क्स का होती है, और जीके का जो क्वेश्चन रहती है वो 20 अंक का होती है, और बायोलॉजी का क्वेश्चन जो रहती है वो 30 अंक का होती है, और केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन वो भी 30 अंक का होती है, और मैथमेटिक्स का 20 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का होती है। इधर पर लिखित परीक्षा में भी आपका बोनस मार्क दिया जाती है। जैसे रिलेशन प्रमाण पत्र के लिए 20 अंक दिया जाती है। एनसीसी ए ग्रुप का अगर सर्टिफिकेट है तो आपको 5 अंक दिया जाती है। एनसीसी बी ग्रुप का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आपको 10 अंक दिया जाती है, और एनसीसी सी ग्रुप का अगर सर्टिफिकेट है तो आपको 15 अंक दिया जाती है, या फिर आप अगर राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है तो आपको 20 अंक दिया जाती है, और आपके पास अगर ओ प्लस कंप्यूटर सर्टिफिकेट है तो आपको 15 अंक दिए जाती है। उसके बाद उनकी सैलरी के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। और सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट का जो सैलरी रहती है वो 35,000 पर मंथ वो मिनिमम सैलरी रहती है। 35,000 पर मंथ उनका मिनिमम सैलरी रहती है। इतना ही था इंडियन आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट बनने के लिए क्राइटेरिया या फिर क्वालिफिकेशन, सारी कुछ यही था। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत अच्छे लगी तो लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबा लेना, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम हमारे चैनल में अपलोड करता हूँ।